हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम किस तरह से आने वाला है, तो खंड क्या आपका क्या होगा, सही विकल्प आपको छांटना है। पहला जो आपका पोर्शन होगा वो फिजिक्स से होगा। जैसे पहला है नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस क्या होता है, चार ऑप्शन है आपके पास, अभिसारी, अपसारी, अपसारी व अभिसारी या कोई नहीं। तो इनमें जो आपको ठीक लगता है आप उस पर टिक कर दोगे या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे उत्तर नंबर एक, फिर जो भी आपका राइट आंसर होगा आप वो आंसर लिख दोगे। उसके बाद खै, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसके भी बहुविकल्पीय हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फिलहाल शो दिखाए नहीं दिए हैं यहाँ पर। तो गया होगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं ओम होता है। तो इस तरह से आपके शुरू के चार जो हैं वो बहुविकल्पीय हैं। दूसरा प्रश्न आपका आता है ये अति लघु, एक कूलाम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित आपको करनी है, ठीक है। दूसरा, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। यह आपका जो चैप्टर क्वेश्चन है यह आपका ये फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन। गैप प्रश्न, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है, आपको पता है 25 सेमी होती है। यह आपका उसमें होता है जो नेत्र वाला लेसन आपका मानव नेत्र में, ठीक है। उसके बाद तीसरे का क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखना है। उसके बाद खा, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये प्रकाश का चैप्टर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो इसमें आपको चित्र बनाकर दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी है, उसका निवारण लिखना है और उसका चित्र बना देना है, और किस तरह का हम लेंस इसमें यूज करते हैं, उत्तल या अवतल, वो आपको लिख देना है। उसके बाद अथवा में ओम का नियम, 8400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आता है खंड खा, तो इसमें भी आपके शुरू के 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। जैसे पहला है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र, तो इसमें आप टिक कर दोगे, अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दोगे उत्तर नंबर 5 क्या का, जो आपको राइट आंसर लगता है वो उसमें लिख दोगे। उसके बाद अपचयन की प्रक्रिया में 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का योग होता है या कोई नहीं, ये भी आपका सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फिर गा, कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया कर लेती है, इसमें भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर के एक एस का नाम और सूत्र लिखना, ये आपका बहुविकल्पीय होगा। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका रसायन विज्ञान का है, अति लघु, ठीक है, एक या 2 लाइन में इनका आंसर लिखना है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसका भी आप रसायन विज्ञान से आप इसका आंसर लिख दोगे अति लघु 2 लाइन में, क्योंकि आपको पता ही लोहे की वस्तुओं का, जिससे वो जंग ना लगे, ठीक है, इस तरह से आप इसको वैज्ञानिक भाषा में आंसर लिख दोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 लघु होगा, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और गुण बताना है। खा, कार्बन की चतुष्फलीय प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए या अथवा में मेंडलीफ का आवर्त का नियम लिखिए। उसका प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है आपको। अभी 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, साबुनीकरण, क्रियात्मक समूह, एरिस्टिकरण, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रियाएँ, PCl5, NaOH और Cl3, यहाँ आपका 7 नंबर का प्रश्न आता है। फिर आपका खंड गया होगा बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। इसमें पहला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या ये सभी, जो आपको ठीक लगता है आप उसको उत्तर पुस्तिका में राइट आंसर छांट के लिख दोगे। तो 9वें में भी आपके बहुविकल्पी होंगे शुरू के 3-4 क्वेश्चन। अब आपका फिजिक्स का जो है वो आपका कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 25 नंबर का आएगा, ठीक है, और बायोलॉजी से भी 25 नंबर का आएगा और 20 नंबर का रासायनिक विज्ञान से एग्जाम में आने वाला, चाहे बोर्ड का हो या अर्धवार्षिक का हो या वार्षिक का हो। उसके बाद खंड खा की हम बात करते हैं बायोलॉजी की, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, इनमें से 4 ऑप्शन में से जो आप अच्छा लगता है वहाँ आप टिक कर दोगे। खै गए, ये बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न नंबर 10 में ये अति लघु आपके हैं तीनों, कायिक प्रवर्धन की परिभाषा, खै रंध्र क्या है, गै किस सिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है, ये अति लघु है, एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में इसका आंसर आप लिख दोगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन थोड़ा लघु है, धमनी और शिरा में चित्र सहित अंतर स्पष्ट करना है आपको।
ठीक है। उसके बाद नामांकित चित्र बनाना है मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का अथवा मूलरोम से जड़ के अंदर जाइलम वाहिकाओं का तक जल के मार्ग का प्रदर्शन। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपका जो है वो आपका किसका है, दीर्घ विस्तृत जो 7 नंबर में आता है। पाचन से का तात्पर्य है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, या अथवा में संख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां और बचाव का संक्षेप में वर्णन करना है। तो इस तरह से आपका विज्ञान का द्विवार्षिक का पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए पूरी तैयारी कराई जा रही है। चैनल पर प्रत्येक वीडियो आपके लिए जितना संभव हो सकता है लाया जा रहा है इंग्लिश मैथ साइंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।